बीदर के लोकसभा सदस्य सागर खंडे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लेने के बाद वह बीदर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर एनएसयूआई राज्य महासचिव मोहम्मद फिरोज खान ने खंडे का स्वागत किया और विभिन्न मुद्दों पर लंबी चर्चा की। इस मौके पर बीदर नगरसभा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। इस मुलाकात के दौरान सागर खंडे और मोहम्मद फिरोज खान के प्रशंसकों ने सागर खंडे का स्वागत किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। इस मुलाकात के दौरान सागर खंडे ने केपी न्यूज चैनल से बात करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। एंकर अश्विनी रेड्डी और सहयोगी कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर से सबसे यंगेस्ट एमपी सागर खंडे जी, तो चलिए आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं। हेलो सर, सबसे पहले तो हमारे केपी परिवार और पूरे बीदर वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। बीदर से आप पहले यंगेस्ट एमपी हैं, तो कैसा लग रहा है, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? सभी को मेरा धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है और इसके साथ हमारी जिम्मेदारी क्या है वो भी बहुत बढ़ चुकी है, तो हम अच्छे से काम करेंगे। लोग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखकर हमें इतने ज़्यादा वोटों से जिताकर लाए, तो 100% हम लोगों के साथ खड़ा होकर हम अच्छे से काम करेंगे। खासकर बीदर की जो युवा है उनको आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, मतलब बहुत सारी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी होगी आपकी, क्या स्ट्रैटेजी? फर्स्ट तो यही है, युवा के लिए स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो अच्छे से स्किल डेवलपमेंट कर युवा के लिए एक जॉब लेकर आना, ये फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी है। सर, जैसे कि बीदर में बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, लेकिन युवा यहाँ पर पढ़ाई करके दूसरे स्टेट्स जाते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उन लोगों के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? डेफिनेटली माइग्रेशन तो है, तो आगे के दिन में यही एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने के लिए हम कुछ योजना बनाकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट कर कुछ तो स्कीम लेकर आकर युवा को इधर भी जॉब देने का हम कोशिश करेंगे। जी, जो इंडस्ट्रियल एरिया है बीदर में, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कदम आप उठाएं? नहीं, डेफिनेटली सभी स्टडी कर अभी तो सरकार हमारा नहीं है, अभी तो NDA सरकार बन चुका है, तो सभी स्टडी कर कंसर्न मिनिस्टर्स कौन कौन है उनको जाकर प्रपोजल जाकर हम देकर अच्छे से स्कीम बनाकर, हमें भी उम्मीद है, 100% कॉन्फिडेंस है कि वो भी कोऑपरेट कर हमारे बीदर के डेवलपमेंट में भाग लेकर हमें अच्छे से बजट देकर हमारा डेवलपमेंट करेंगे। हाल ही में आपने कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है, सो उनसे आपकी मुलाकात कैसी रही, किन किन मुद्दों पे आपकी चर्चा हुई? नहीं, बहुत अच्छे एडवाइस दिए। उदाहरण के लिए राहुल गांधी साहब मिले थे बैंगलोर में, राहुल गांधी साहब यही बोल रहे थे कि आप बैंगलोर या दिल्ली से ज़्यादा बीदर में ही रहो, कॉन्स्टिट्यूंसी में रहो, लोगों के साथ रहो, लोगों के कष्ट में भाग लो, उनके साथ रहो, कंटिन्यूस 24/7 टाइम दो और 100% आप सक्सेसफुल रहते हो, वही बोले थे। और दूसरे लीडर्स हमारे सिद्धरामैया साहब है, वो बोले कि सभी सेशन अटेंड करो अच्छे से, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना, अच्छे से पढ़ाई करो, कंटिन्यूसली लोकसभा में 100% अटेंडेंस रखकर YouTube पे क्या दूसरे वीडियोस है सेशन के बारे में और दूसरे डिबेट्स के बारे में, डिस्कशंस के बारे में, वो भी देखकर अच्छे से स्टडी करो, तो बहुत अच्छे से एडवाइस हमारे सीनियर लीडर्स ने हमें दिया है।